बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर यासर खान एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल लर्न विद खान। टू हैव वीडियोज़ फ्राम दिस चैनल विच मे इंक्रीज़ योर नॉलेज, यू मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर दीज वीडियोज़ एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़। शेयर इट एज मच एज यू कैन। वी आर डिस्कसिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग टर्म्स के लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं। दो लेक्चर्स अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर हो चुके हैं। ये अकाउंटिंग टर्म्स का आखिरी लेक्चर है। तो ये कोई 23-24 टर्म्स बन जाएंगी जो कि अकाउंटिंग हमें किसी भी लेवल की पढ़ते हुए हमें ये काम आएंगी। आज के लेक्चर की पहली टर्म कमीशन है। कमीशन क्या होता है? ये एक ऐसा मुआवजा है जो दो पार्टीज़ के दरमियान खिदमात फराहम करने के बदले में तय होता है और इसकी बेसिस जो है वो परसेंटेज होती है, यानी ये फ़ीसद की बुनियाद के ऊपर होता है। ऐसा मुआवजा जो फ़ीसद की बुनियाद के ऊपर हो, खिदमात फराहम करने के ऊपर हो, उसको कमीशन कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी देखें। एनी रेम्यूनरेशन डिसाइडेड बिटवीन पार्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। रेंडर का मतलब होता है फ्राहम करना, यानी फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करने के ऊपर जो मुआवजा होता है वो कमीशन कहलाता है। अगर हम कमीशन पे करेंगे तो ये हमारा एक्सपेंस है, अगर हम कमीशन रिसीव करेंगे तो ये हमारा रेवेन्यू है। नेक्स्ट, अलाउंस और डिस्काउंट, रियायत होती है, लेकिन इनमें फ़र्क है, इन रियायतों में फ़र्क है। अलाउंस किस किस्म की रियायत है और डिस्काउंट किस किस्म की रियायत है वो हम देखते हैं। अलाउंस भी रियायत है, होती क्या है? एनी रिडक्शन इन प्राइस, यानी कीमत में किसी की किसी भी चीज़ की कीमत में कमी ड्यू टू डिफेक्टिवनेस ऑफ द गुड्स। वो माल तजारत ख़राब है, नाकस है, वो उसमें कोई डिफेक्ट है और सेलर बायर से कहता है कि आप इसकी कीमत चलें इतनी कर दें, ये थोड़ा उसमें रिड्यूस कर देता है, तो उसे अलाउंस कहते हैं। इसके बारे में याद रखना है कि इट इज़ रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स, इसे अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर सेलर, सेलर जब उसे रिकॉर्ड करता है, यानी उसने 1000 की चीज़ है कीमत कम करके 950 कर दी है, 50 रुपये उसने अपना नुकसान किया है, कमी की है, ये सेल्स अलाउंस है और एक्सपेंस है। और बायर के लिए ये परचेज अलाउंस है और रेवेन्यू है। तो अलाउंस बुनियादी तौर पर डिफेक्टिवनेस ऑफ गुड्स के ऊपर बेस करता है। डिस्काउंट, अब रियायत, ये कौन सी रियायत होती है? एनी रिडक्शन इन प्राइस बाय सेलर टू द बायर वाइल नेगोशिएटिंग, यानी सेलर बायर जब लेन देन तय कर रहे हैं, आपस में नेगोशिएशन कर रहे हैं, उस वक्त जो कीमत में कमी की जाती है, और बाय क्रेडिटर टू डेटर ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट, या क्रेडिटर डेटर को डिस्काउंट देता है, रियायत देता है, वजह उसकी है कि वो पेमेंट टाइम से पहले कर रहा है, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा है। तो दोनों तरह से जो कमी दी जाती है, क्रेडिटर डेटर को कमी दे अपने कर्जे की रकम में, या सेलर बायर को कमी दे, जो है वो कमी करे उसकी प्राइस में, तो वो डिस्काउंट कहलाती है। डिस्काउंट दो तरह की है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये डेफिनेशन में ज़ाहर है। एक सेलर बायर वाली है डिस्काउंट और दूसरी क्रेडिटर और डेटर वाली है। ट्रेड डिस्काउंट है जो पहली है, तजारती रियायत। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है? एनी रिडक्शन इन प्राइस, कीमत में कमी बाय सेलर टू द बायर, ये सेलर बायर को कमी कर रहा है, एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन वाइल नेगोशिएटिंग द प्राइस, यानी जब लेन देन की कीमत तय हो रही है तो उस वक्त जो वो आपस में इसकी कीमत तय कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। इसके हवाले से ये याद रखें कि तजारती रियायत जो होती है, इट इज़ नेवर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स, इसको अकाउंटिंग बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे, गुड्स की लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होती है, यानी चीज़ों की फहरिस्ती कीमत होती है कि शेड्यूल्ड प्राइस होती है, जैसे किताबें हैं उनके ऊपर चीज़ प्रिंट हुई है और वो कीमत प्रिंट हुई होती है, और ऐसे ही जितनी भी को गुड्स सेल कर रहे होते हैं उनकी एक प्राइस है जो उन्होंने सोची होती है कि इतने की बेचेंगे, लिस्ट प्राइस होती है, शेड्यूल्ड प्राइस, कैटलॉग प्राइस कह लें। अब उसमें से रिडक्शन होती है।
तो अभी भी जब कीमत तय हो जाती है तो उसके बावजूद जब वो चीज़ बिकती है तो इसके अंदर सेलर का मुनाफा मौजूद होता है, सेलर को मुनाफा हो रहा होता है, इसलिए फिर इसको अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। उसका मतलब ये है कि सेलर का वो एक्सपेंस नहीं आपने समझना और बायर की कोई आमदनी नहीं समझना, बायर उसे अपना रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड करता। इसलिए अगर चीज़ों की कीमत लिस्ट प्राइस थी 1,000 रुपये और डिस्काउंट के बाद वो चीज़ 960 रुपये में फ़र्ज़ करें बिक गई है, तो उनकी तयशुदा कीमत, उनकी एग्रीड प्राइस 960 है, तो वो लेन देन ही 960 पे दर्ज होगा। वो जो 40 रुपये ऊपर वाले वो लेन देन के वक्त जो छोड़े गए हैं, सेलर उन्हें अपना नुकसान नहीं शो करेगा, एक्सपेंस नहीं शो करेगा, और बायर उसे अपना रेवेन्यू शो नहीं करेगा। तो ये लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होती है। और आमतौर पर फिर ऐसे क्वेश्चन में जहां इसकी ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज रेट दिया हुआ हो, तो आप देखेंगे हम जब आगे क्वेश्चंस भी करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में हमें एग्रीड प्राइस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वर्किंग नोट्स हुआ करेंगे। मेन रिक्वायरमेंट को हल करने से पहले हमें वर्किंग नोट्स में उसकी एग्रीड प्राइस, यानी जिस पे दोनों पार्टीज़ राज़ी हुई हैं, वो तय करना पड़े, वो कैलकुलेट करनी पड़ा करेगी। ट्रेड डिस्काउंट की रीज़न्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं? आमतौर पर बल्क में माल तजारत खरीदा जाए, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो फिर ये दी जाती है। या सेलर बायर दे स्टैंड इन क्लोज रिलेशनशिप टू ईच अदर, उनका आपस में करीबी ताल्लुक होता है, तो इसलिए वो उस कीमत में थोड़ी कमी कर देते हैं। या वो कारोबार का वो रिवाज होता है, जैसे आप बुक्स परचेज़ करते हैं तो देखें किताब के ऊपर कीमत 250 रुपये प्रिंट हुई हुई है, आपको वो कहता है कि जी ये आपको 220 में मिल जाएगी, 210 में मिल जाएगी। ये कस्टम है, लेन देन तय होते वक्त वो जो कीमत उसके ऊपर प्रिंटेड है उसमें से कमी करके आपको दे रहा है, ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये उसका कोई लॉस नहीं है और आपका कोई ये रेवेन्यू नहीं है। डिस्काउंट की दूसरी टाइप कैश डिस्काउंट है। जो हम डिस्काउंट की डेफिनेशन पढ़ी है वहाँ पे हमने दो तरह से उसको डिस्कस किया है, तो वहीं से दो टाइप्स ये निकल रही हैं। कैश डिस्काउंट क्या होती है? एनी रिडक्शन इन द पेमेंट ऑफ ए डेट बिफोर इट्स ड्यू डेट, यानी ये बुनियादी तौर पर कर्जे की पेमेंट है ड्यू डेट मैच्योरिटी मुकर्रर तारीख से पहले, यानी मुकर्रर तारीख से पहले पेमेंट करने के ऊपर ये कमी की गई है। ये क्रेडिटर डेटर को ग्रांट करता है, इसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। इसके बारे में याद रखें कि इट इज़ रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स, इसको अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ये बड़ी अहम है। कैश बुक में आगे चल के और फिर मज़ीद जो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं वहाँ पे ये बार बार काम आएगी, जर्नलाइजिंग करते हुए भी इसकी एंट्रियाँ कैसे करनी है, तो ये एक अहम बात है, इसे अच्छे तरह से याद रखना है आपने। जो हम अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ रहे हैं ये आगे जाके मज़ीद जितने भी हमने टॉपिक्स करने हैं ये वहाँ पर डिस्कस होनी ही होनी है। फिर ये जहन में रखें, क्रेडिटर इसे डिस्काउंट अलाउड के नाम से एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करता है, डेटर इसे डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है डिस्काउंट टर्म। डिस्काउंट टर्म क्या होती है? डिस्काउंट का जुमला कह लें, टर्म जुमले को भी कहते हैं, लफ्ज़ को कहते हैं, या डिस्काउंट मुद्दत ज़माना या शर्त, टर्म का मतलब शर्त भी है, इसे कह लें। डिस्काउंट की शर्त क्या होती है, ये डिस्काउंट टर्म्स क्या होती हैं? जैसे 2, 10 एंड 30, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ 2, 10 एंड 30, तो ये 2, 10 एंड 30 क्या है, इसको 2/10 एंड/30 नहीं पढ़ना, पढ़ना ऐसे है 2, 10 एंड 30। तो टू क्या चीज़ है? टू रेट ऑफ कैश डिस्काउंट है, यानी कैश डिस्काउंट जिस रेट के ऊपर दी जाएगी ये वो परसेंटेज रेट है। टेन ये डेज हैं फॉर अवेलिंग डिस्काउंट, यानी अगर आप इतने दिनों के अंदर पेमेंट करेंगे तो आपको ये वाली डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिलेगी। एन के नो डिस्काउंट, 30 टोटल क्रेडिट पीरियड है, यानी जो जितने दिनों के लिए आपको उधार माल वो दिया गया है उसको, ये वो डेज हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे इसको समझें, अगर इस शर्त पे आपको माल बेचा गया है तो इसका मतलब है कि 30 दिन के उधार पे आपको माल दिया गया, और 10 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट कर देंगे तो आपको 2% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। ये टर्म यही नहीं है, ये 3, 20 एंड 60 भी हो सकती है, 3, 10 एंड 45 भी हो सकती है, कोई भी, यानी ये अपने बिजनेस के हिसाब से है, वो किस तरह से उनकी कलेक्शन पॉलिसी क्या है, वो आपको उधार कैसे दे रहे हैं, वो डेटर्स माल जो क्रेडिट वो बेच रहे हैं उसका वो अकाउंट्स रिसीवेबल को मैनेज कैसे कर रहे हैं, तो इसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ये नहीं समझना कि सिर्फ 2, 10 एंड 30 ही है। इट इज़ ए डिस्काउंट टर्म
ये एक डिस्काउंट की शर्त है, ये डिस्काउंट का जुमला है, एंड इट मींस दैट क्रेडिटर विल अलाउ ए कैश डिस्काउंट ऑफ 2% टू द डेटर ऑन मेकिंग पेमेंट विद इन 10 डेज। 10 दिनों के अंदर पेमेंट करने के ऊपर उसे 2% कैश डिस्काउंट मिलेगी, अदरवाइज ही विल हैव टू मेक पेमेंट विद इन 30 डेज एट नो डिस्काउंट, वरना 30 दिन के अंदर फिर टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी और डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। ये कैश डिस्काउंट के साथ ही अटैच्ड एक टर्म है। नेक्स्ट टर्म फिर अभी देखते हैं हम। नेक्स्ट टर्म एंट्री, रिटन रिकॉर्ड ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग बुक्स इज कॉल्ड एंट्री। अब किसी भी कारोबारी लेन देन को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करने को एंट्री कहते हैं, यानी इंदराज। ये जनरल एंट्री भी हो सकती है, ये लेजर एंट्री भी हो सकती है, या डायरेक्ट लेजर के खातों में एंट्री कर ली जाए, जैसे हम स्पेशल जर्नल्स में रिकॉर्ड रखते हैं, या डेट वाइज रिकॉर्ड रखा जाए जर्नल एंट्री की सूरत में, तो दैट इज़ कॉल्ड जर्नल एंट्री। उसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। अकाउंट क्या होता है? क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और ए थिंग, किसी ख़ास शख्स या चीज़ का एक रिकॉर्ड ग्रोही सूरत में, जो कि लेजर में रखा जाता है, यानी जर्नल में एंट्रियाँ कर ली जाएँ, फिर वहाँ से आप लेजर में अकाउंट किसी ख़ास शख्स का मेंटेन करते हैं, उस एक ख़ास पीरियड के दौरान होने वाले तमाम लेन देन को आप वहाँ पे दर्ज करते हैं, डेबिट है तो डेबिट साइड पे, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे, फिर उसको बैलेंस करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एन अकाउंट, वो खाता है। नरेशन, नरेट का मतलब होता है बयान करना, तो नरेशन बयान को कहते हैं, जुमले को कहते हैं, फिक्रे को, एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट, एक तहरीरी वजाहत गिवन बिलो ईच एंट्री, जो कि हर एंट्री के नीचे लिखी जाती है, दैट डिस्क्राइब द जनरल एंट्री इन ए सिंगल सेंटेंस, और ये जनरल में लिखी जाती है, जनरल एंट्री को वो एक्सप्लेन कर देती है, तो दैट इज़ कॉल्ड ए नरेशन। एक्विटी, क्लेम को कहते हैं, दावे को कहते हैं, हक को कहते हैं, यानी मालिक जो अपना हक रखता है, उसने सरमाया लगाया है तो कारोबार के सासों के ऊपर उसका हक है, या जिन लोगों से हमने कर्ज लिया है तो उनके पैसों से कारोबार काम कर रहा है, तो यकीनी बात है कि कारोबार के उन असासाजात के ऊपर उनका हक है। दैट क्लेम, दैट राइट ऑन एसेट्स, दैट इज़ कॉल्ड एक्विटी। एनी क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एक्विटी। एक्विटीज आर ऑफ टू टाइप्स, आउटसाइडर्स एक्विटी, जो बाहर के लोग हैं, बिजनेस का और ओनर का एक आपस में ताल्लुक है, वो एक इंटरनल रिलेशनशिप है उनका, बिजनेस और ओनर ये अलग-अलग हैं, यानी बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करने, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं तो पहले चैप्टर में ही आप जो भी बुक देखेंगे उठा के अकाउंटिंग की, लेकिन हम उनको जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ वहाँ उन कॉन्सेप्ट्स को, उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग इज़ दी सब्जेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, तो वो हमने सारे डिस्कस करने हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो वो जब हम प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंट्रीज शुरू करेंगे और हम वहाँ पे एंट्रीज़ को डिस्कस करना शुरू करेंगे तो हम ये कॉन्सेप्ट लाजमी डिस्कस करेंगे। आउटसाइडर्स एक्विटी, यानी जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने कर्ज दिया है तो उनके जो पैसे देने हैं वो लाइबिलिटीज़ हैं, यानी लाइबिलिटीज़ की वजह से उनकी एक्विटी होती है, उनका हक होता है एसेट्स पे। और ओनर या ओनर्स, ब्रैकेट्स में लिखा है ओनर या ओनर्स, अगर सिंगल ओनर है, आपको बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, तो ओनर और ओनर्स उनकी एक्विटी वो सरमाए की वजह से होती है कि उन्होंने कैपिटल लगाया है, यानी मालिकों ने जो पैसे लगाए होते हैं वो कैपिटल कहलाते हैं, और कैपिटल की वजह से उनका कारोबार के साथ-साथ के ऊपर हक होता है। ये आज हमारी टर्म्स कंप्लीट हो गई हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करेंगे। आप लोग लाजमी तौर पर चैनल की वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जैसे आपका फ़ायदा हो रहा है वैसे बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।